आपको सीधा जोधपुर लेकर चलते हैं। कानून मंत्री क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। दिया है ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। राजस्थान के इस हाई कोर्ट का उद्घाटन जयपुर के महामहिम महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वारा 29/8/1949 को जोधपुर में किया गया था और उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए अगर हम 75 वर्ष की यात्रा देखें तो इसमें बहुत से न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है, लेकिन जस्टिस आर एम लोढ़ा वो इसी हाईकोर्ट से, राजस्थान हाईकोर्ट के नहीं थे लेकिन इसी शहर से थे, इसी धरती से थे, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश के पद पर रहे। इसलिए मैं उनका भी यहां इस मंच से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ऐसे कई गणमान्य व्यक्तित्व जिन्होंने जोधपुर में वकालत करते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस के पद पर कार्य करते हुए भी और भी हैं जिनका भी मैं इस मंच से सबका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर एक और आपको बधाई देना चाहता हूं। हाईकोर्ट के 75 साल हुए, हमारे संविधान को लागू हुए भी 75 साल हो गए। आधुनिक गणराज्य के रूप में भारत की नींव हमारा गौरवशाली संविधान है जिसकी आधारशिला ही न्याय है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी ने पूछा था कि अगर प्रस्तावना की आत्मा को कहना पड़े तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये हमारे संविधान के प्रस्तावना की आत्मा है। जब उनको पूछा गया कि संविधान की आत्मा का जिक्र करेंगे और उनके लिए कि आप क्या कहेंगे कि कौन सी संविधान की आत्मा है, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 32 मैं मानता हूं कि ये संविधान की आत्मा है। ये बाबा साहब का कोट था। ऐसे संविधान जिसके 75 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम पूरे देश में मना रहे हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान। एक कार्यक्रम में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड साहब भी उस कार्यक्रम में थे। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा नवाचार किया है। स्थानीय भाषा और राज्य की भाषा का भी न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल होता है और इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में फैसला उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड साहब की पहल है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर भारत का ऐसा पहला हाईकोर्ट था जिसने 1950 में संविधान के आर्टिकल 3482 के तहत अपनी कार्रवाई हिंदी में करना शुरू कर दिया था इन 1950s। उसके बाद 1969 में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने, फिर 1971 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने और 1972 में बिहार हाईकोर्ट ने हिंदी का प्रयोग शुरू किया था। हम पहले थे देश में। इसके लिए भी जिन्होंने भी ये इनिशिएशन लिया उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर। सर, जस्टिस की बात संविधान में भी की गई है। न्याय में आसानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ईज ऑफ लिविंग। हम अगर देखेंगे पिछले कई सालों के निर्णयों को तो हम पाएंगे कि ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देकर के प्रधानमंत्री जी ने सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्न लीगल सिस्टम इस देश को दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हमने 1562 ऐसे कानून जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी
उनको आपके निर्देशानुसार हमने रद्द कर दिए हैं, रिपील कर दिए हैं। ये कानूनों की संख्या 1562 है। 1 जुलाई 2024 से पुराने हमारे जो औपनिवेशिक काल के जो हमारे क्रिमिनल लॉज थे, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको भी हमने संशोधित करके भारत की वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप लागू कर दिया है। 1 जुलाई 2024 से अंग्रेजों को, भारत के नागरिकों को दंड देना था,